रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 2019 अब होने वाली है साइको थोड़े दिन बाद, जिसका अभी रिजल्ट CBT 2 का रिवाइज नहीं आया है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब देना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो क्या कहें, जवाब देना है या नहीं देना है, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। क्या है सवाल सुन लीजिए, एलपी मेडिकल फेल हो जाएं तो टेक्नीशियन 3 मिलेगा क्या? क्या कहता है रेलवे का नियम हम बताएंगे, और ऑफिशियल कंडीशन फॉर मेडिकल क्या होता है कंडीशन उसके लिए जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि रेलवे का मेडिकल, तो सबसे पहले एलपी के लिए मेडिकल का कंडीशन जानेंगे। तो एलपी के मेडिकल से डरते हैं लोग क्यों? क्योंकि ये है मेडिकल A1 और ये होता है सेफ्टी पोस्ट, रेलवे का सबसे सेफ्टी पोस्ट जिसको फुट जॉब कहा जाता है, जिसमें सबसे मेन हाईलाइटेड में होता है, जिसकी आई साइड 6x6 होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट दोनों आँख की 6x6 होनी चाहिए। इसके लिए ग्लास भी नहीं अलाउ है, ना आपको कोई सर्जरी अलाउ है, ना कुछ अलाउ है। तो लोग यहाँ घबरा जाते हैं। और एक समस्या सबसे बड़ी पैदा जब होती है जब डिप्लोमा या डिग्री कैंडिडेट हैं, क्योंकि उनके पास केवल डिप्लोमा और BTech है, उनके पास ना ITI है ना 10+2 है। वो कहते हैं कि टेक्नीशियन पोस्ट मिलेगा क्या? तो इस कैटेगरी में तो टेक्नीशियन मिलेगा ही नहीं, डिप्लोमा डिग्री रहेंगे तो, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं डिप्लोमा BTech के साथ 10+2 किए हुए हैं, 10+2 PCM से है, और वो चाहते हैं कि मुझे LP नहीं मिलके टेक्नीशियन 3 SNT यानी सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मिल जाए। तो क्या रूल कहता है इसके बारे में बात करेंगे, और क्यों मिले टेक्नीशियन 3 इसके लिए भी है, क्योंकि टेक्नीशियन 3 का मेडिकल B1 से लेके C3 तक होता है। तो B1 में आप जाएंगे तो B1 आई आपका साइड 6x12 तक अलाउ करता है, और C3 तो 6x18 तक कराता है। इवन चश्मे की भी पावर होती है, बिना चश्मा के नहीं, चश्मे के साथ भी आप ये मेडिकल अगर पूरा करते हैं तो आप टेक्नीशियन पोस्ट मिल जाता है। तो यही कारण है कि 6x6 से लेके 6x18 तक मौका मिल जाए, यही सब लोग चाहते हैं, और यही है मेडिकल। बाकी मेडिकल की तरीके सारे एक जैसे होते हैं, तो ये कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं। पहले आपको रूल दिखा देते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि बहुत लंबा हो गया, उसके बाद बात करेंगे। तो रूल में हमारा पास यहाँ पे है, देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, फिर नहीं कहिएगा कि ऑफिशियल नहीं था। तो देखिए, सेक्शन बी है, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट अपॉइंटमेंट फॉर नॉन गजेटेड रेलवे सर्विस एंड सर्विस इन नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लाई, नॉन गजेटेड रेलवे सर्विस एंड नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लाई, जिसमें C और D दोनों के होते हैं। जैसे आप मान लेंगे यहाँ पे LP टेक्नीशियन, NTPC के सारे पोस्ट जितने भी नॉन टेक्निकल का है, JEE जितने आपके पोस्ट आते हैं, क्लर्कियर वगैरह सारे, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेशन पोस्ट जितने भी सारे वैकेंसी आती है, सारा इसमें ही सम्मिलित हो जाता है। C और D कैटेगरी में A और B गजेटेड पोस्ट होता है, और ये आपका UPAC के द्वारा लिया जाता है, यहाँ से एग्ज़ाम नहीं होता, रेलवे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराता है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट अपॉइंटमेंट फॉर नॉन गजेटेड रेलवे सर्विस फॉर पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन सर्विस रेलवे इंक्लूड है, यानी रेलवे में अगर जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन होता है, या प्रमोशन वो उस एम्प्लाई के लिए और नया अपॉइंटमेंट होता है उनके लिए, दोनों के लिए है। पहला आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा का विजन टेस्ट, और विजन टेस्ट की ही यहाँ बात कर रहे हैं कि रेलवे का 6x6 LP में अगर हम फेल हो जाएँ तो टेक्नीशियन पोस्ट मिलेगा क्या। इसके लिए दो कंडीशन दिया गया है, देख लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ जाइएगा इसमें ध्यान से। पहला कंडीशन नोट 1 पढ़िए, द जनरल मैनेजर मे रिलैक्स द प्रोविजन ऑफ केस ऑफ कैंडिडेट टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट इन दी नॉन गजेटेड सर्विस इंक्लूडिंग क्लास 4, यानी क्लास 4 आप जानते हैं ग्रुप D को बोला जाता है, लेबर ग्रेड अदर देन पोस्ट ग्रेड ऑफ ग्रुप A,
ग्रुप ए आपका आता है हाई लेवल का जो बताए हम गजेटेड का, इसके अलावा किसी भी पोस्ट को रिलैक्स दे सकते हैं जनरल मैनेजर। उसके बाद इनके दूसरा कंडीशन आप पढ़िएगा, दूसरा कंडीशन कहता है कि जनरल मैनेजर जिसको रेलवे के जीएम बोला जाता है शैल हैव अथॉरिटी टू कंसीडर रिक्वेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल हु फेल द प्रिस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर इम्पेलमेंट बाई आरआरबी फॉर द अपॉइंटमेंट इन अल्टरनेट कैटेगरी। अल्टरनेट कैटेगरी क्या समझ सकते हैं, अगर हायर कैटेगरी ईएलपी में फेल होता है तो टेक्नीशियन के लिए सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट द प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी एलपी की A1 में फेल हो जाते हैं तो टेक्नीशियन के B2, C3, C2 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर रखता है रिक्वायर टू एलिजिबल अदर क्राइटेरिया एंड सेम ग्रेड पोस्ट भी अल्टरनेटिव कैटेगरी, ये कौन दे सकते हैं, आपके जनरल मैनेजर ये दे सकते हैं। फिर उसके आगे क्या कहा जा रहा है, हीप द कैंडिडेट फॉर द टेक्निकल कैटेगरी द फेल द मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब फॉर द कैटेगरी ही सेल मे बी कंसिडर्ड फॉर अल्टरनेटिव टेक्निकल कैटेगरी इफ फाउंड मेडिकली फिट फॉर द कैटेगरी प्रोवाइडेड सी ही प्रोसेस द रिक्वेस्ट इक्विवेलेंट रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड देयर शॉर्टेज इन द कैटेगरी। अब यहाँ से तो कह रहा है कि अगर आप एलपी का 6x6 A1 मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हो जाते हैं तो जीएम ऐसा पावर रखता है, जनरल मैनेजर जो रेलवे के महोदय जी होते हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आपकी कंसीडर टेक्नीशियन के लिए हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है दो चीज़, एक चीज़ आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इम्पैनलमेंट का शब्द जोड़िए, तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है इम्पैनलमेंट कब बनता है ये ध्यान देने वाली बात है। तो हम एलपी और टेक्नीशियन के रिगार्डिंग बात करेंगे, एलपी का क्या होगा, पहले साइको होने के बाद टेक्नीशियन का और एलपी के लिए पोस्ट यानी 62,907 पोस्ट है, सभी के नाम एक एक सीट डिक्लियर कर दी जाएगी, समझिएगा कि इतने पोस्ट हैं, प्लस में वेटिंग लिस्ट बन जाएगी कि इतने कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे, भले वेटिंग लिस्ट आपको पब्लिक में दिखाया नहीं जाएगा, यानी जितने कैंडिडेट एलपी में जाएंगे उससे जो बच जाएंगे उनकी टेक्नीशियन में कंसीडर की जाएगी, ये कंडीशन है। अब बताइए कि एलपी में कोई मेडिकल में फेल होगा तो क्या टेक्नीशियन में जो कैंडिडेट का नाम है, मान लेते हैं एलपी में अगर 500 कैंडिडेट है, एक एग्जांपल है, टेक्नीशियन में कैंडिडेट 1000 है, एक एग्जांपल है, 1500 पोस्ट टोटल थी, तो एलपी में अगर 500 में से 10 लोग मेडिकल में फेल हो जाते हैं, टेक्नीशियन में 1000 कैंडिडेट ऑलरेडी हैं, तो क्या ये 10 लोग को हटाने के लिए यहाँ से 990 कैंडिडेट को लिया जाएगा और 10 को कह दिया जाएगा कि टेक्नीशियन की जॉब आपको नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल गड़बड़ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात रेलवे क्या कह रहा है कि इम्पैनलमेंट, पहले क्या होता है इम्पैनलमेंट जब भी बनती है, इसको ध्यान दीजिएगा, इम्पैनलमेंट जब भी बनेगी जब आप मेडिकल फिट होंगे, मेडिकल जब तक नहीं फिट होते हैं तब तक आपकी पैनल में नाम ही नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अभी भी ग्रुप डी की आपने देखा होगा, अभी भी आ रहा है कि आपकी उम्मीदवारी अस्थाई रूप से है, अगर आप मेडिकल फिट करते हैं उसके बाद आपको पैनल में नाम आएगा तब आपकी उम्मीदवारी मानी जाएगी। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, इम्पैनलमेंट में आने के बाद जो कैंडिडेट हायर स्टैंडर्ड के मेडिकल फेल करते हैं, तो अभी आप पैनल के मतलब अभी तक नहीं समझे हैं तो थोड़ी सी और एग्जांपल से समझाइए। देखिए एक जनरल कंडीशन है कि एक व्यक्ति किसी से दोस्ती करता है, जब तक वो दोस्ती के कंडीशन में रहता है, जब तक आपसे दोनों का कोई ऐसा बंधन नहीं है कि आप एग्रीमेंट में आए हों, लेकिन दोस्ती अगर रिलेशन में अगर कन्वर्ट करना है बॉय या गर्ल्स के बीच में, तब क्या करना पड़ेगा, आपको मैरिड होना पड़ेगा एक दूसरे को, तो जहाँ तक मैरिड की प्रश्न आएगी वो होता है पैनल रेलवे के अनुसार, यानी जितनी भी भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है मेडिकल से पहले तक,
जहां तक कैंडिडेट कोई भी रेलवे का उम्मीदवारी केवल उम्मीदवार के रूप में है, रेलवे के सदस्य के रूप में नहीं है। रेलवे का सदस्य तभी बनेगा जब आप मेडिकल पास हो जाएंगे, आपका पैनल में नाम आएगा। वहाँ अगर किसी कारण से आपकी मेडिकल में बाद री मेडिकल में प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में आपको टेक्नीशियन की पोस्ट दिया जा सकता है। तो सीधी भाषा में कहें कि आपने एलपी पोस्ट के लिए 6x6 मेडिकल एग्जामिनेशन दे के रेलवे में जॉब पाया था। हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, किसी टाइम में आपकी री मेडिकल रेलवे में 5 ईयर में होता है, 10 ईयर में होता है, उसमें आप 6x6 आई नहीं रखते हैं। उस कंडीशन में आपको टेक्नीशियन, जूनियर क्लर्क या इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट होगा वो दिया जा सकता है, जिससे आप सूटेबल होंगे। क्योंकि हर ड्राइवर की आई 6x6 हमेशा चेक होती रहती है, अगर थोड़ी माइनर प्रॉब्लम है तो उसको रिफ्रेक्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो आपको डिग्रेशन भी किया जा सकता है या इक्विवेलेंट पोस्ट भी दिया जा सकता है। तो अब ध्यान दीजिए, एलपी के मेडिकल फेल होने में टेक्नीशियन का पोस्ट मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों की मेरिट लिस्ट एक बार बनेगी, जितने एलपी के पोस्ट है वो फिल हो जाएंगे, टेक्नीशियन के पोस्ट फिल हो जाएंगे। अगर किसी कारण से मेडिकल में आप फेल हो जाते हैं तो आपका लिस्ट हट जाएगा, वेटिंग वाले लिस्ट कैंडिडेट आपके जगह पर आएंगे। टेक्नीशियन का मेडिकल कोई फेल होता है तो वेटिंग लिस्ट वाला जगह यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं कि एलपी के मेडिकल आपने फेल हो गए तो टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी। समझ गए होंगे, थैंक यू, धन्यवाद।